न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज पर। आज 19 जून सैटरडे का दिन है, आइए नाजरीन देखते हैं इंटरनेशनल और नेशनल के खास खबरें। 9 साल के बाद मोहम्मद इलियास 38 साल और मोहम्मद इरफान 33 साल को रिहा किया गया जेल से। वो अगस्त की 31 तारीख 2012 को गिरफ्तार हुए थे, जिन्हें 9 साल बाद इन्हें रिहा किया गया ट्यूसडे की रात को। इन दोनों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट यानी UAPA केसेस दर्ज किए गए थे। इन्हें बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 9 साल बाद सबूत ना मिलने पर रिहा कर दिया गया। इलियास और इरफान उन 5 लोगों में से है जो नांदेड़ में अगस्त 2012 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए थे। इन पर इल्ज़ाम था कि वो लश्कर तोयबा के साथ मिले हुए हैं और इनकी वजह से फायरिंग हुई थी, और ये लोग मिलकर लश्कर तोयबा के साथ जर्नलिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस को जान से मार देने वाले थे। इन दोनों की गिरफ्तारी से पहले इलियास फ्रूट का कारोबार करता था और इरफान इन्वेंटर बैटरी की दुकान चलाता था। इन दोनों के लिए कई बार बेल डाली गई लेकिन रिहा नहीं किया गया। लेकिन ATS और NIA नाकाम रही इलियास और इरफान के खिलाफ सबूत जमा करने में, जिसके बाद इलियास और इरफान को बेगुनाह 9 साल बाद रिहा कर दिया गया। सेंटर ने थर्सडे के दिन ऐलान किया कि डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी, जैसे गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी और फिटनेस सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी और दीगर चीज़ों की वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स की तारीख सितंबर 30, 2021 तक बढ़ा दी गई है। ये उन्हें ही लागू होता है जिनके डॉक्यूमेंट्स फरवरी 2020 में एक्सपायर हो गए थे और वो रेन्यू नहीं करवा सके इस कोरोना पाबंदियों के सबब, जिसके बाद हुकूमत ने सर्टिफिकेट्स वैलिडिटी की डेट सितंबर 30 तक बढ़ा दी है। गुजरात के कुछ में जुम्मे के दिन जलजला महसूस किया गया 4.2 मैग्नीट्यूड का। ये जलजला 3:45 के दरमियान महसूस किया गया। बंदल के पास 11 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट बचाओ के पास इंस्टीट्यूट सेसिमोलॉजिकल रिसर्च ISR के मुताबिक ये जलजला 26.7 किलोमीटर गहराई से होते हुए महसूस किया गया। इस जलजले के मौके पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या माली नुकसान नहीं हुआ। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस मोहम्मद जमाल पहले शख्स बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के लिए नॉमिनेट किए गए। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ने जस्टिस मोहम्मद जमाल, जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें नॉमिनेट किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा के लिए। मोहम्मद जमाल पहले शख्स है जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा एपिक्स कोर्ट में। फलस्तीन हुकूमत जुम्मे के दिन ऐलान किए कि इसराइल के साथ वो डील कैंसिल करेगी फाइजर कोविड-19 1 मिलियन वैक्सीन डोजेस का। ये फैसला जब लिया गया तब इसराइल ने दोबारा फलस्तीन पर हमला किए जून 16 को। पिछली बार में 21 को किया गया था हमला, बाद में तय किया गया था कि हमला नहीं होगा, जिसके बाद जून 16 को वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा मिसाइल फेंकी गई इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर। जो भी विदेशी सऊदी अरब को जा रहे हैं लाजमी है कि वो वैक्सीन ले, वरना उन्हें सऊदी में आने की इजाज़त नहीं है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जो भी विदेशी फॉरेनर्स सऊदी अरब आ रहे हैं लाजमी है कि वो वैक्सीन ले या वैक्सीनेशन वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, तभी उन्हें इजाज़त होगी सऊदी में दाखिल होने की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को वार्निंग दी, कहा कि अफ्रीका में जल्द ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर दाखिल हो सकती है। अचानक अफ्रीका में केसेस कोरोना पॉजिटिव के बढ़ गए। पिछले हफ्ते से 20% पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है और कोरोना पॉजिटिव होने से मौत 15% बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अफ्रीका चीफ डॉक्टर मत्शी दिशा मोइती ने इस ताल्लुक से तफसलात बताई और अफ्रीका को सतर्क किया। ये खबर बड़ी अफसोस से दी जाती है। सबसे तेज भागने वाले मिल्खा सिंह गुजर गए। जी हाँ, चंडीगढ़ हॉस्पिटल में वो शरीक थे, उनका इलाज 1 महीने से चल रहा था। वो कोविड-19 से मुतासर हुए थे। 1 महीने से वो कोविड-19 से जंग लड़ रहे थे जिसमें वो हार गए। वो 91 साल के थे। उन्हें एक बेटा है जीव मिल्खा, जो गल्फ खेलने में माहिर है, और उन्हें 3 बेटियां हैं। इससे पहले भी उनकी अहलिया निर्मल कौर कोरोना से मुतासर होने के सबब इंतकाल कर गई। उनकी अहलिया निर्मल कौर नेशनल वॉलीबॉल कैप्टन थी।
knowledge after successfully spreading education since 12 years. Renowned educationalist Mr. Parth Sarthi, Director, Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab, where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.